हम इस टिक मार्क को कॉपी पर पेन से आराम से बना लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में टिक मार्क डालने के लिए कीबोर्ड में कोई अलग से बटन नहीं दिया रहता, तो हम एक्सेल में इसे डालने के लिए कुछ स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले जिस सेल में आपको टिक मार्क डालना है उस सेल को सेलेक्ट करें, फिर आप सबसे ऊपर में बाएं की ओर होम टैब को देख पा रहे होंगे, इसके बगल में दाएं की ओर इंसर्ट टैब है, आपको इसी इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। अब आप इंसर्ट टैब के लास्ट में सिंबल बटन पर क्लिक करें, इसमें आप बहुत सारे सिंबल देख पा रहे होंगे। अब आप फॉन्ट में जाएं और इसमें सबसे नीचे की ओर जाकर विंगडिंग्स को सेलेक्ट करें। आपको विंगडिंग्स 2 या विंगडिंग्स 3 नहीं चुनना है, आपको यहाँ पर सिर्फ विंगडिंग्स ही चुनना है। फिर इसके लिस्ट में सबसे नीचे जाएं, यहाँ आपको टिक मार्क मिल जाएगा। आप उस टिक मार्क को सिलेक्ट करें और नीचे दिए गए इंसर्ट बटन पर क्लिक करें, फिर क्लोज बटन दबाएं। अब आप चुने गए सेल में टिक मार्क पा रहे होंगे। अब आपके चुने गए सेल में टिक मार्क आ गया है। अगर आप चाहें तो इसकी साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। आप इसी तरह दूसरे सिंबल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप विंगडिंग्स के बदले किसी दूसरे फॉन्ट को भी चुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज आपने कुछ जरूर सीखा होगा, और इसी तरह कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी मैं आपके सामने लाता रहूंगा। गुड बाय दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।